नमस्कार चाणक्य आई ए एस अकेदमी में आपका स्वागत है जर्नलिस्ट के एक्रेडिटेशन के लिए सरकार ने मीडिया से जुड़े कुछ नए नियमों को जारी किया है इस नए मीडिया कानून का नाम है द सेंट्रल मीडिया गाइडलाइंस 22। इस गाइडलाइन में उन शर्तों को बताया गया है जिसका पालन या फॉलो ना करने पर एक जर्नलिस्ट की मान्यता एक्रेडिटेशन को समाप्त कर दिया जाएगा दूसरे अर्थ में बात करते हैं कि अगर एक जर्नलिस्ट के काम अगर इस देश की सिक्योरिटी इंटीग्रिटी या इस देश के सॉवरन नेचर या जो नेबर कंट्री हैं उनके साथ हमारे रिलेशन को नुकसान पहुंचाती है तो उस जर्नलिस्ट की मान्यता रद्द कर दी जाएगी अभी हमने जर्नलिस्ट के लिए जिन शर्तों के पालन करने की बात की अगर हम उस पर गौर करें तो ये सभी शर्तें भारतीय संविधान के आर्टिकल 192 से मिल खाते हैं आर्टिकल 192 फ्री स्पीच पर रिस्ट्रिक्शंस या प्रतिबंध की बात करता है अब हम आगे यह देखते हैं कि आखिर यह काम कैसे करेगा जारी गाइडलाइन के अनुसार केंद्र सरकार एक कमेटी को सेटअप करेगी और इस कमेटी का नाम होगा सेंट्रल मीडिया एग्रिटेशन कमेटी, जिसके प्रमुख होंगे पीआईबी के प्रिंसिपल डीजी इसके अलावा पच्चीस और मेंबर होंगे जिन्हें सरकार द्वारा नॉमिनेटेड किया जाएगा यह कमेटी जर्नलिस्ट के मान्यता को वापस लेने के लिए जर्नलिस्ट के लिए जारी शर्तों या गाइडलाइंस के अनुसार जर्नलिस्ट ने कार्य किया है या नहीं उसको इंटरप्रेट करेगी अब सवाल यह है कि इस नए गाइडलाइन से संबंधित कंसर्न्स या चिंताएं क्या है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा तैयार यह गाइडलाइंस गाइडलाइंस कम और सेंसरशिप रूल ज्यादा लगते हैं ऐसा इसके आलोचकों का कहना है उनका यह कहना है कि इससे पहले के गाइडलाइंस की बात करें तो उसमें यह कहा गया है कि अगर जर्नलिस्ट अपने मान्यताओं का करते हैं तो मान्यता या एक्रीडिटेशन समाप्त कर दिया जाएगा अब न्यू गाइडलाइंस के अगर 10 प्रोविजंस की बात करें जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में ही की है जैसे कि देश की सुरक्षा एकता अखंडता पड़ोसी देशों के साथ संबंध है तो अगर इस दस प्रोविजन की हम बात करें तो यह फ्री मीडिया के फंक्शनिंग को नुकसान पहुंचा सकता है यह भी हो सकता है कि अगर कोई रिपोर्ट सरकार को पसंद ना आए तो वह रिपोर्ट देश के इंटरेस्ट के लिए हानिकारक करार, करार दिया जा सकता है क्योंकि अब सेंट्रल मीडिया एक कमिटी तय गाइडलाइंस के अनुसार रिपोर्ट न्यूज को इंटरप्रेट करेगी और फिर जर्नलिस्ट को मान्यता देनी है या वापस लेनी है या बनाए रखनी है इनसे संबंधित निर्णय लेगी मीडिया को रेगुलेट करने के अगर हम पूर्व के प्रयासों की बात करें तो 1988 में सरकार के द्वारा डिफेमेशन बिल लाया गया था जिसका मकसद था वैसी रिपोर्ट या खबरों को लाने वाली संस्था या जर्नलिस्ट पर डिफेमेशन के केस करना जो सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाती है 2018 में पीआईबी ने फेक न्यूज गाइडलाइंस का प्रस्ताव दिया था इसका उद्देश्य था कि फेक न्यूज पर नकेल कसना और रिसेंटली सरकार ने डिजिटल न्यूज कंटेंट को चेक करने के लिए आई एक्ट में कई सुधारों का प्रपोजल दिया है अब आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि आखिर किन जर्नलिस्ट को एक्रेडिटेशन या मान्यता मिलती है तो चलिए देखिए इसको कि पहली बात कि इसके लिए कौन जर्नलिस्ट अप्लाई कर सकता है तो एक जर्नलिस्ट जो दस हजार डेली सर्कुलेशन वाले न्यूज़पेपर में काम कर रहा है या 100 सब्सक्राइबर्स वाले न्यूज एजेंसी में वर्किंग है या 10 लाख यूनिक विजिटर्स वाले डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहा है एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई कर सकता है साथ ही यह भी शर्त है कि जर्नलिस्ट के रूप में पांच वर्ष का मिनिमम फुल टाइम वर्किंग एक्सपीरियंस हो जर्नलिस्ट को एक्रेडिटेशन पीआईबी के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ होम एफेयर्स के मैंडेटरी सिक्योरिटी चेक के बाद ही दिया जाता है अब ये कोई बात नई नहीं, नहीं है कि मीडिया के डिजिटलाइजेशन से मीडिया का प्रसार काफ़ी ज़्यादा हो गया है और काफ़ी हद तक लोग अपनी मान्यताओं और विश्वास के हिसाब से अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्मों को देखते और सुनते हैं इसलिए यह जरूरी है कि मीडिया संतुलित एवं निष्पक्ष सूचना दें इसके लिए यह जरूरी है कि मीडिया प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस को फॉलो करे पर साथ ही यह भी जरूरी है कि प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस फ्री मीडिया कॉन्सेप्ट को नुकसान न पहुंचाए तो इस प्रकार हमने हाल में ही सरकार के द्वारा जारी जर्नलिस्ट के लिए नए एक्रेडिटेशन मान्यताओं पर बात की इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं आप हमारे साथ बने रहिए